इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इसी सेंटर पर हैं। अल शिफा अस्पताल में घुस चुकी है इजरायली सेना। अस्पताल के अंदर भीषण गोलीबारी जारी है। मरीजों के वार्ड में भी जमकर फायरिंग हो रही है। लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, कई लोग बुरी तरह से घायल अवस्था में, बीमार अवस्था में अस्पताल की बेड पर मौजूद हैं और अस्पताल में जमकर गोलीबारी हो रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि आज के युग में ऐसी तस्वीरें भी देखनी पड़ेंगी, लेकिन ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा है। कई मरीजों की जान को गंभीर खतरा इस वक्त पैदा हो चुका है। अस्पताल में 9000 से ज्यादा स्टाफ और मरीज इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी जान पर बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। अस्पताल के प्रवक्ता ने इस बीच एक बड़ा दावा भी किया है। वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अस्पताल की आप हालत देख सकते हैं। जबरदस्त गोलीबारी के बाद यहाँ पर क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो, आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलेट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलेट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। कैसा कोहराम बरपा है। और आइए अल शिफा अस्पताल के अंदर जारी इजरायली डिफेंस फोर्स की कार्रवाई की पूरी जानकारी आपको देते हैं कि किस तरह से यह कार्रवाई हुई और कैसे आईडीएफ की सेना इस अस्पताल के अंदर दाखिल हुई। अल शिफा के अंदर इस वक्त आईडीएफ मौजूद है, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान मौजूद है। दहलाने वाली 10 बातें क्या है। पहली बड़ी बात, अस्पताल के अंदर भीषण गन फायर सुनाई दे रहा है। वेंटिलेटर लगाए हुए बच्चों को हटा दिया गया, ऐसे में उनकी जान को अब बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ, कई बच्चे इस वक्त गंभीर हालत में कॉरिडोर के अंदर मौजूद हैं। 29 मरीजों की जिंदगी पूरी तरह से खतरे में है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें भी कई मरीज काफी बुरी अवस्था में अपनी बेड पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं और अस्पताल के अंदर गोलीबारी हो रही है। और साथ ही जीवन रक्षक मशीन, यानी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिस पर मरीजों को रखा गया था, उससे हटा दिया गया। अब इन मरीजों का क्या होगा, इसको लेकर सभी की चिंताएं बढ़ गई हैं। जहां मरीज और डॉक्टर हैं वहां पर भी हमला हुआ है, वहां पर भी गन फायर की आवाजें सुनाई दी। जी हाँ, अलशिफा के अंदर ही इस वक्त आईडीएफ के तमाम जवान मौजूद हैं, घुस चुके हैं बिल्डिंग में। इधर से उधर जाना भी संभव नहीं है, यानी जान बचाने के सारे रास्ते भी बंद नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी हमले की चपेट में आने का खतरा लोगों पर, आम मरीजों पर इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में आगे क्या होगा ये जानना समझना बहुत जरूरी है। मरीजों को ट्रांसफर भी नहीं किया जा पा रहा है, ये भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा है जो सूरत हाल है। इसमें अस्पताल में करीब 9000 स्टाफ और मरीज इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वॉर जोन से हमारे सहयोगी विपिन चौबे भी हमारे साथ मौजूद हैं तेल अवीव से। सबसे पहले तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें, मानवता कराहती हुई इस वक्त नजर आ रही है। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था इसराइल के पास? समीर, इस तरीके से जब मरीजों के ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो कहीं से इसको बहुत गलत है, मतलब ये नहीं होना चाहिए वे किसी भी तरीके से, लेकिन क्यों हो रहा है, इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे हो सकता है इसराइल के पास कोई महत्वपूर्ण कारण हो। इसराइल ने क्या ये पूर्ण समय दिया था, पूरा टाइम गैप दिया था कि ताकि अस्पताल खाली कर सके। अगर ये हमास इस अस्पताल को अपना एक शील्ड बना के प्रयोग कर रहे हैं और उस अस्पताल के नीचे अगर इनका एक ऑपरेशन रूम है और स्टोर है, तो हो सकता है कि इसकी इंटेलिजेंस इजराइल के पास काफ़ी है। तभी यह इजराइल इतना जो ये कंट्रोवर्सी है, जो इजराइल को ब्लेम किया जाएगा कितने लोगों को मारा, ये ब्लेम ह्यूमन मतलब मानवता पर जो अत्याचार कर रहे हैं इसको बर्दाश्त करने की क्षमता तभी कर सकता है जब इसको उसके माध्यम से कुछ गेन ज़्यादा होने वाला है। बट वर्षक इसकी तो भाई हमें कंडम करना चाहिए कि ऐसे अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमास 2-3 स्टेप आगे है
और इसको अगर शील्ड के रूप में यूज कर रहा है और नीचे जिस तरह एक्सप्लोसिव है, तो इसराइल भी चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके उसको ये ऑपरेशन खत्म करे और उनका जो स्टोर हाउस है और ऑपरेशन सेंटर डिस्ट्रॉय करे, ताकि हमास की एक्टिविटी खत्म कर सके और ये वापस आ सके। लेकिन ये लोग हट क्यों नहीं रहे हैं और समय से अटैक क्यों नहीं दिया है? ये मानवता के ऊपर अटैक है, ये तो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है।